अरुणाचल प्रदेश की सभी जनताओं के लिए ये बहुत अच्छा एक खबर है। इस बार का चुनाव का लहर में कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 10 सीटों में अनकंटेस्टेड डिक्लेयर हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितने भी हमारा 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अनकंटेस्ट हुआ है वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के सभी जनताओं को पार्टी की ओर से मैं ढेर सारा धन्यवाद मैं प्रकट करता हूँ। और आने वाला दिनों में आप सबको पता है कि 19 अप्रैल में वोटिंग किया जाएगा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे इस राज्य में जो काम किया है तो इस बार हम सबको पता है कि सारा पब्लिक भारतीय जनता पार्टी का सरकार का परफॉर्मेंस को लेके सभी लोग बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। तो आने वाला दिनों में ये पूरा कंफर्म हो चुका है कि चुनाव में हम लोग 100% मार्क्स लेते हुए दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार अपना अरुणाचल प्रदेश में गठन करेंगे। तो साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री JP नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उन सभी का देख रेख में आज अरुणाचल प्रदेश का प्रगति काफ़ी अच्छा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्यार अरुणाचल प्रदेश के जनता ने जो अभी दे रहा है इससे साफ जाहिर भी है कि हमारा 2 लोकसभा सीट ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी विथ थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में पूरे एकदम फुल मेजोरिटी के साथ में दोनों सांसद हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में भी हम लोग भेजेंगे। तो आज हमारे साथ अपना इंचार्ज श्री अशोक सिंघल भी यहाँ पे आए हुए हैं और साथ में अपना जो 2 अनकंटेस्टेड MLA श्री तेची कसो जी और अपना श्री न्यातो दुकुम जी वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। तो मैं आगे का कार्रवाई जो है अपना इंचार्ज श्री अशोक सिंघल जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अरुणाचल में आज 60 सीटों पर चुनाव होना था और नामांकन की प्रक्रिया में 10 सीट पर केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी ने ही नामांकन पत्र दिया और किसी पार्टी ने नामांकन पत्र या तो दिया नहीं या दिया तो उन्होंने विड्रॉल के पहले ही उसको लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के समय के पहले विड्रॉ कर लिया। 10 लोग निर्विरोध चुने गए और ये 10 लोगों की जीत और आने वाले चुनाव में 60 में से हमको लगता है कि 60 की 60 सीटें हम जीत करके एक इतिहास रचने वाले हैं अरुणाचल में। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्यार जो स्नेह उत्तर पूर्वांचल को नॉर्थ ईस्ट को मिलता है अरुणाचल को मिलता है आसाम को मिलता है बाकी प्रदेशों को मिलता है उसकी वजह से जनता बहुत खुश है। जनता को लगता है कि प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है और इस वजह से अरुणाचल की जनता ने 10 जगह अनअपोज्ड हमारे लोग जीत के आए हैं। ये इसका परिणाम है और आने वाले चुनाव में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। मोदी जी ने जो काम किया पिछले 10 साल में और हमारी 8 साल की सरकार ने जो काम किया इस डबल इंजन सरकार की वजह से एक बदलाव अरुणाचल हम देख रहे हैं। सो आने वाले समय में मैं अरुणाचल की जनता को अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी के 50 और जो उम्मीदवार बच गए हैं उन सभी को बहुत बहुमत से जिताएं। 10 जो लोग जीते हैं उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी अनअपोज जीते हैं, हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चाउनामिन जी वो चोखाम 46 चोखाम से अनअपोज जीते हैं, हमारे और जो लोग जीतने वाले हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती बंगसु गुलपुल वो 45 नंबर हयांगलिंग से अनअपोज जीती है, 7 नंबर बोमडिला से डोंगरू सी योनजू वो अनअपोज जीते हैं, ईटानगर से हमारे भाई तेची कोसो बैठे हैं ये अनअपोज जीते हैं, 0 हापोली से हागा अपाजी अनअपोज जीते हैं, रोइंग से मुचू मेथी ये अनअपोज जीते हैं, 23 नंबर थलिया से न्यातो दुकम ये अनअपोज जीते हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं, थाली से जिकी टाको ये अनअपोज जीते हैं और सगाली से राटू तेची ये 10 लोग अनअपोज जीते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सबको अभिनंदन देता हूँ बधाई करता हूँ
और आने वाले चुनाव में अरुणाचल वासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजय बनाएं, जिससे हम 60 की 60 सीटें जीत करके और डबल इंजन की सरकार दुगनी ताकत के साथ अरुणाचल के विकास के लिए काम कर सके। कोई प्रश्न है? सर कितना समझते हैं सर, कितना चैलेंज था बीजेपी को कि 60 में 60 कैंडिडेट्स को आप लोगों ने 177 आउट ऑफ 177 आप लोगों ने 60 को सेलेक्ट किया, और क्या लगता है कि आप लोगों ने जो सारा 60 कैंडिडेट जो सेलेक्ट किया वही वापस आएगा उनके, इतना आप कैसे करते आश्वस्त है सर? ऑपोजिशन को क्या बिल्कुल भी देने का इरादा नहीं है क्या सर? जैसे आपने प्रश्न किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में मोर देन 170 एस्पिरेंट्स टिकट को सीक करने वाला था, तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसमें टिकट का स्टेट कमिटी भी होता है और फाइनली जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाके टिकट का फाइनल किया जाता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ मोर देन 170 जो कैंडिडेट्स था विद इन द भारतीय जनता पार्टी एस्पिरेंट्स, केवल 60 को ही टिकट मिला है, मगर मैक्सिमम लोग सभी लोग पार्टी में बैठकर पार्टी को सेवा कर रहा है। आज जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में अनकॉन्टेस्ट हुआ है, 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सभी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बाकी जो अभी हम लोगों का 50 सीट में जो अभी चुनाव हम लोग को फेस करना है, वहाँ भी इन्हीं जो कार्यकर्ता है और ग्रास रूट में जो कार्यकर्ता है उनका बड़ा योगदान है। इस बार हम लोग जैसे मैंने पहले कहा कि आउट ऑफ 60 पूरा 60 Nara chugumuk ansing baljok na skama ma banggi jasan. Chugumuk ta nang? Inda ko de kuros kamut tungo mayna chugumuk kunijay nga. Plus F markadong pa ko? Plus F? Salantio, anchini cha anirango, peena namganirang ko de bang akun watanga, jayan anchini bimang, gisig, porayani, nambate rakani, mandapani, aro gumuk kunik nikata. Nang koban? Inda ko pili anga chaunan, ma chungja? Oe, chugumuk na nganirang. Unigaman na atta, merong, kari, to, aru dutrang ho koros kaingon, plus F marka donggo pa ko sa nibo. May na uno, iron, aru vitamin rang ko nangani kriyo na. Sungi chane cha oba, magron chiniyo ba, aru chatoa niyo ba, mamang dengtangani ko uijawa. Dengtang rikani ko uijawa ramay na sa brins kainjo. Andi ba mang sao blongen dengtang rikani donga? Anchinyan, seng baljoka niyo. Nambata chaani rangani chi, nambate jangi thangani. Plus app markha dongupa chaani rangko, daaloni chakhalbo.